फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन न्यू सेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल अर्थमेटिक्स। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ने से पहले हमको गो थ्रू होना पड़ेगा अबाउट नंबर रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी। बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पहले वो समझेंगे, उसके बाद हम लोग बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ेंगे जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बाइनरी नंबर। तो सबसे पहला मेथड है साइन बिट मैग्नीट्यूड, और वी कैन से साइन मैग्नीट्यूड मेथड। तो नंबर रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी कैन बी डन यूजिंग साइन बिट मैग्नीट्यूड। साइन बिट मैग्नीट्यूड जो है वो जनरली पॉजिटिव डेसिमल नंबर के लिए यूज किया जाता है, और नेगेटिव डेसिमल नंबर के लिए भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसके अदर मेथड हैं जैसे कि वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। तो साइन बिट मेथड में क्या होता है कि कोई भी डेसिमल नंबर या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव में हो, यानी कि साइन उसका पॉजिटिव और नेगेटिव अगर होता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन साइन बिट मैग्नीट्यूड। तो इफ देयर इज एनी पॉजिटिव डेसिमल नंबर, तो यहां पे जो पॉजिटिव साइन है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो बाइनरी नंबर में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमको मालूम है जैसे कोई बाइनरी नंबर है 110111, ठीक। अब यहां पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो है लेफ्ट साइड, दिस इज MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और राइट साइड में जो बिट होती है राइट मोस्ट, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जनरली जो साइन है बाइनरी नंबर में जो साइन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, अगर डेसिमल नंबर का साइन पॉजिटिव है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज शुड बी जीरो, लॉजिक जीरो होना चाहिए, ठीक। ओके, नाउ सिमिलरली इफ देयर इज अ नेगेटिव डेसिमल नंबर, और नेगेटिव डेसिमल नंबर यानी कि डेसिमल नंबर विद नेगेटिव साइन, हियर द नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटेड ऑल्सो बाय मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिक वन। तो ये याद रखिएगा, कोई भी डेसिमल नंबर जिसका साइन पॉजिटिव है तो उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी डेसिमल नंबर की वो जीरो होनी चाहिए, और अगर डेसिमल नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है डेसिमल नंबर का, जब आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, एक्चुअली हम लोग ये जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे जो MSB होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो जीरो होना चाहिए, और नेगेटिव डेसिमल नंबर का जब हम लोग बाइनरी लिखते हैं तो उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं साइन बिट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन वो 8-bit रिप्रेजेंटेशन किया जाता है नॉर्मली, 8-bit रिप्रेजेंटेशन। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने लिखा +9, हमको +9 को रिप्रेजेंट करना है साइन बिट मैग्नीट्यूड में। तो यहां पे याद रखिएगा कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है लेफ्ट मोस्ट MSB वो रिप्रेजेंट क्या करता है, साइन, दिस रिप्रेजेंट साइन, और अदर 7 bits, और जो अदर 7 bits हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नीट्यूड। तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 8-bit, MSB 1-bit है तो 7+8 bits हो जाएंगे, यानी कि जो प्लस है वो रिप्रेजेंट करेंगे बाय मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो 9 है उसका बाइनरी लिखेंगे इन 7-bit जो कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो 9 का सबसे पहले बाइनरी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 9 डेसिमल नंबर 9 का बाइनरी हो जाएगा 1001, 4-bit में हो जाएगा 1001। अब इसको आप 7-bit में लिख दीजिए बाय एडिंग 0 टू द लेफ्ट 5, 6, 7, तो ये हमारे हो गए 7-bit।
जो कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैग्नीट्यूड कितना होगा 9। और यहाँ पे साइन रिप्रेजेंट करेंगे बाय मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस 8 बिट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट प्लस नाइन। ओके, सिमिलरली अगर आपको -9 मीन्स नेगेटिव डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो एज यूजुअल वैसे ही करेंगे, जो साइन है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और 9 जो है वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो कि 7 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी हमने लिखा है 9 को इन 7 बिट, दैट इज 0001001, और यहाँ पे साइन इज नेगेटिव, सो हियर वी यूज 1। तो यहाँ पे जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव साइन, एंड नेक्स्ट 7 बिट्स रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड 9। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट एनी डेसिमल नंबर, वेदर इट इज पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, इन साइन बिट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 बिट्स। बट जनरली हम लोग जो नेगेटिव डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको साइन बिट मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनके लिए हम लोग टू अदर मेथड्स यूज करते हैं, जो कि होता है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट में जो पॉजिटिव डेसिमल नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ये पॉइंट नोट रखिएगा। जो भी हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव डेसिमल नंबर के लिए होता है, नेगेटिव के लिए होता है। पॉजिटिव डेसिमल नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है इन वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, राइट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट में भी जो बहुत ही पॉपुलर है वो है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए फॉर नेगेटिव डेसिमल नंबर्स। तो इसी को अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बिटवीन वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो जैसे कि अभी हमने बताया कि वंस कॉम्प्लीमेंट्स एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में जो पॉजिटिव डेसिमल नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर इज अनचेंज्ड, पॉजिटिव नंबर इज अनचेंज्ड, इट सिंपली रिटन इन साइन मैग्नीट्यूड। तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में सिंपली लिखेंगे, सिमिलरली हियर ऑल्सो इन टूज कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो पॉजिटिव नंबर इज अनचेंज्ड, इट इज सेम एज साइन मैग्नीट्यूड। जो भी हम लोग लिखते हैं वो नेगेटिव नंबर को लिखते हैं, ओनली नेगेटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि नेगेटिव नंबर चेंज हो जाता है इन वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हम लोग यहां पे वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे ऑफ नेगेटिव नंबर, सिमिलरली टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे ऑफ नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर एज इट इज रहता है, यानी कि सेम एज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब किस तरह से हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं किसी भी नेगेटिव डेसिमल नंबर का, या टूज कॉम्प्लीमेंट किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल नंबर का, ठीक है। वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट हमेशा नेगेटिव डेसिमल नंबर का ही रिप्रेजेंट किया जाता है। मेथड ये है, वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमको उस नेगेटिव डेसिमल नंबर का पॉजिटिव काउंटर पार्ट लेना पड़ता है, ठीक है। यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट इज फाउंड फ्रॉम इट्स पॉजिटिव काउंटर पार्ट। पॉजिटिव काउंटर पार्ट मीन्स अगर जैसे कि नेगेटिव नंबर -9 है और इसका हमको वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले इसका पॉजिटिव नंबर लेंगे, यानी कि +9। ओके, और +9 को हम लोग साइन मैग्नीट्यूड में लिख देंगे, फिर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, राइट। तो इसको देखते हैं, जैसे कि हमको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है -9 का,
तो हम लोग इसका पॉजिटिव नंबर लेंगे, पॉजिटिव काउंटर पार्ट लेंगे प्लस 9, और प्लस 9 का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पता है हम लोगों को, 10019 हो गया, और इसको हम लोग 7 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 4567 ये मैग्नीट्यूड हो गया, और साइन पॉजिटिव है तो एक और जीरो, यानी कि टोटल 8 बिट्स, तो 8 बिट्स साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो गया प्लस 9। नाउ अब हम यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो बिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, लॉजिक चेंज हो जाएगा, जीरो कन्वर्टेड इनटू वन एंड वन कन्वर्टेड इनटू जीरो। तो हम जो वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो होगा 1111 0110। ओके, सो ये दिस वैल्यू, दिस वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट नेगेटिव डेसिमल नंबर, यही नेगेटिव डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अ बाइनरी नंबर और ये -9 डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे फाइंड किया है? नेगेटिव डेसिमल नंबर -9 है, उसका पहले हम पॉजिटिव काउंटर पार्ट लिखेंगे यानी कि +9, उसका साइन मैग्नीट्यूड लिखेंगे, दिस इज अ साइन मैग्नीट्यूड, और साइन मैग्नीट्यूड लिखने के बाद 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग लॉजिक चेंज कर देंगे, यानी कि 0 इज कन्वर्टेड इनटू 1 एंड 1 इज कन्वर्टेड इनटू 0, देन वी गेट बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट ऑफ -9। अच्छा, ये तो आपने वन टाइम वंस कॉम्प्लीमेंट किया, अगर आप फिर से इसका फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम, तो हम लोग को क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू यानी कि +9 मिलेगा। ठीक है, तो इसका फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0000 1001। ओके, तो ये आपका फिर से क्या हो गया? +9। ओके, सो दिस इज अ सिंपल मेथड वंस कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करते हैं। ओके, तो ये हम लोग कॉमनली यूज करते हैं इन बाइनरी अर्थमेटिक्स। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव डेसिमल नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव डेसिमल नंबर इज अनचेंज, इट इज सिंपली एज अ साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 बिट्स। तो यहाँ पे भी हम लोग कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, नेगेटिव डेसिमल नंबर -9। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो सिंपली टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उस नेगेटिव डेसिमल नंबर का पॉजिटिव काउंटर पार्ट लेना पड़ेगा। पॉजिटिव काउंटर पार्ट मीन्स पॉजिटिव नंबर मीन्स +9, राइट? अब +9 का आप पहले साइन मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1001, और इसको 7 बिट में 567, और प्लस साइन यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0। सो दिस इज अ साइन मैग्नीट्यूड। नाउ अब हमको यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है इसका। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में लॉजिक चेंज कर दीजिए, हमारा आ जाएगा 1111 0110। तो ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम लोग को लास्ट में +1 करना पड़ता है। ठीक है, तो +1 कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके +1 कर देंगे, वी गेट अ टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0 + 1 दैट इज 1, देन 1101111। सो दिस इज अ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -9 इन टूज कॉम्प्लीमेंट। ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका? नेगेटिव डेसिमल नंबर -9 का इन 8 बिट फॉर्मेट। अच्छा, सिमिलरली अगर ये टूज कॉम्प्लीमेंट का फिर से आप टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो आप देखोगे वो वैल्यू हो जाएगी +9। ओके, तो यहां पे फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं सपोज, तो फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग करेंगे
तो ये पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, जीरो 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 वन जीरो जीरो जीरो, फिर हमको वन ऐड करना पड़ेगा फिर से, तो हमको मिल जाएगा वन जीरो जीरो वन जीरो 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 जीरो। तो ये क्या वैल्यू है? दिस इज सेम एज दिस वन, दैट इज प्लस नाइन। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन मेथड है किसी भी डेसिमल नंबर दैट इज हैविंग अ नेगेटिव साइन। ठीक है, कोई भी डेसिमल नंबर अगर नेगेटिव साइन में है तो उसको हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन मेथड है, बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जितने भी बाइनरी अरिथमेटिक है तो उसमें हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करते हैं।